गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति लवकरिया। दोस्तों गणपति बप्पा साहब तो हम सबको छोड़ के चले गए, और इस साल की अगर बात करें तो गणेश चतुर्थी खत्म हो गया है, लेकिन अगले साल का वादा कर कर गए हैं। इस साल ढेरों खुशियां लेकर आए हैं, कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर गए हैं साथ में वो। और अगर बात करें तो शिल्पा शेट्टी राजकुंद्रा के परिवार में खुशियां छोड़कर गए हैं। जी हाँ, गणपति विसर्जन के जो मुख्य गणपति विसर्जन होता है उसके लगभग दूसरे ही दिन राजकुंद्रा वापस आ गए। पोर्नोग्राफी मामले में राजकुंद्रा की जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई थी, एक रैकेट और एक सनसनीखेज खुलासा सामने आया था, उसके बाद तो जैसे शिल्पा शेट्टी की दुनिया इधर से उधर हो गई। जहां अपने रियलिटी शो में, डांस रियलिटी शो में उन्होंने जाना बंद कर दिया, वहीं सोशल मीडिया पे भी कम पोस्ट कर रही थी, और ऐसे पोस्ट कर रही थी जिनको देख के ऐसा लग रहा था कि शी रियली नीड्स द हेल्प। ऐसा लग रहा था जैसे सचमुच में शिल्पा शेट्टी जो है अब थोड़ा सा इंप्रूव कर रही हैं, और प्लस मेंटली अपने आप को काफी ज्यादा स्ट्रांग रख रही हैं। ऐसे में आप लोगों को बताना चाहता हूं, तो शिल्पा शेट्टी ने सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट किया है, और ये पोस्ट उनके गणपति जी से रिलेटेड, एक्चुअली उनके बेटे से रिलेटेड है, उनके बेटे विवान ने किया है। आइए इस वीडियो में मैं राहुल भोज बताता हूं। स्वागत है आपका फीफा फूज में, मैं राहुल भोज। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम पर मौजूद हूं राहुल भोज के नाम से, BHOJ, तो वहां पर मुझे फॉलो जरूर करो। ओके, तो यहां पर दोस्तों राजकुंद्रा के पोस्ट को लेकर, राजकुंद्रा की वापसी आने पर विवान ने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है, और उन्होंने लिखा है कि लाइफ एज लॉन्ग एज लॉर्ड गणेश ट्रंक्स, ट्रबल एज स्मॉल एज हिज माउस, मोमेंट्स आर स्वीट एज मोदक्स, एंड गणपति बप्पा मोरया। ये दोस्तों अगर बात करें तो विवान राजकुंद्रा उसने पोस्ट किया अपने सोशल मीडिया पे, और अपना रिएक्शन कहीं ना कहीं इस तरीके से दिया है कि गणपति बप्पा मोरया। तो दोस्तों विवान ने तो बोल दी है बड़ी बात, आप लोगों को क्या है कहना? शिल्पा शेट्टी का भी रिएक्शन मैंने आपको बताया है, बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें फीफा फूज।